रेत का ठेका हो चुका है, इसके बावजूद आज तक घाट प्रारंभ नहीं हुए हैं, जिससे रेत कारोबार से जुड़े लोगों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो चुका है। अब ट्रैक्टर संचालकों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर रेत के घाट चालू करने की मांग की है और यह घाट बंद हो जाने से जिले के करीब 20,000 परिवार प्रभावित हो रहे हैं। इन परिवारों के लिए अपना पालन पोषण करना मुश्किल हो रहा है, जिससे त्रस्त होकर ट्रैक्टर संचालक एसोसिएशन के सदस्यों ने ज्ञापन सौंपकर रेत के घाट चालू करने की मांग करते हुए एडीएम शैलेंद्र सिंह सोलंकी को ज्ञापन सौंपा। वहीं इस संबंध में एडीएम ने कहा है कि खनिज विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर घाट चालू करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब ज्यादा सामान बंद नहीं कर सकते हैं और इसलिए जल्द से जल्द घाट प्रारंभ कर दिए जाएंगे। कई महीनों से घाट बंद पड़े, जो बेरोजगारी शहर में फैली हुई है, उसको लेके हमने कलेक्टर मॉडर्न से मांग लेके आए हुए, क्योंकि हमको जो पता चला पिछले महीने नवंबर में जो 15 तारीख को जो टेंडर रखे गए थे उसके 23 तारीख को 45 इंफो को ठेका दिया गया, लेकिन उसको भी आज पूरा एक महीना संपूर्ण हो चुका है। हमको ये भी पता है कि ठेका होते तो गार्ड चालू नहीं होते, उसकी कुछ प्रक्रिया होती है जैसे NOC है और रजिस्ट्री है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको कम से कम समय में जल्द से जल्द इसको कुछ प्रशासन की ओर ध्यान देके उसको जल्द से रोजी रोटी को चालू किया जाए। शहर के ट्रैक्टर संचालकों द्वारा ज्ञापन दिया गया, उनके द्वारा बताया गया है कि जो रेत की खदानें हैं नीलाम हुई है और किसी संस्था को दिया गया है इसका ठेका, तो ट्रैक्टर वगैरह भी चालू है। इस संबंध में उनको आश्वस्त किया है कि जैसे ही शासन की तरफ से जिस ठेकेदार को ठेका दिया गया है उनकी वारंटीज इश्यू हो जाएंगी, वैसे ही इन लोगों को काम चालू।